नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के गृह विभाग ने फोन टैपिंग मामले में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पुलिस को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने यह फैसला तब लिया है जब कुछ ही दिन पहले पुणे पुलिस ने फोन टैपिंग मामले में क्लोजर रिपोर्ट दर्ज की और रिपोर्ट में रश्मि शुक्ला पर ये आरोप तय किए कि रश्मि शुक्ला ने महाराष्ट्र के सीनियर वरिष्ठ नेताओं के कॉल टैप किए थे। और हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए और ज्यादा अपडेट देने के लिए। अंकित, हालांकि क्लोजर रिपोर्ट में भी अगर रश्मि शुक्ला की बात की जाए तो उनपे आरोप तय हुआ था, बावजूद इसके पुलिस को इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई के लिए अनुमति नहीं दी गई है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप देख इस केस में देखोगे तो ये जो केस है ये मार्च में इनका एफआईआर हुआ था, पर हमें जैसे कि पता है कि मार्च में जो है वो एनडीए की गवर्नमेंट थी। ये यहाँ पे भी पूरा मामला ये देखने में आ रहा है कि ये भी एक तौर से एक पॉलिटिकल एंगल इसमें है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आर्टिकल जो सेक्शन हमारा है वो 197 सीआरपीसी ये कहता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट होता है उन्हें अगर प्रोसिक्यूट करना है तो हमें एक कंपेटेंट अथॉरिटी की जरूरत होती है, और ये अथॉरिटी की परमिशन जो है वो गवर्नमेंट की तौर से रिजेक्ट कर दी गई है। जो अभी की जो हमारी शिंदे बीजेपी गवर्नमेंट इन्होंने रिजेक्ट कर दी गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मार्च में जो एनडीए गवर्नमेंट थी उन्होंने उनके इसमें एफआईआर हुआ था, और अभी जो सारी चीज पीछे ले ली। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो केस है मार्च में। जी अंकित, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।